अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर आईटी वर्ल्ड की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि मैं तो हेल्थ से रिलेटेड वीडियो शेयर करता रहता हूँ, ताकि किसी न किसी को इस वीडियो से जो चीज़ें मैं बनाता हूँ इससे फ़ायदा हो, आसानियाँ पैदा हों। तो इसी सिलसिले में मैंने पिछले दिनों एक ऐप शेयर की थी, बड़ा लोगों ने पसंद किया, बड़े लोगों ने भी मुझसे डिमांड की, मैंने उन्हें सेंड की, तो कई लोगों का अच्छे रिस्पॉन्सेज आए, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज आए। तो कई लोगों ने बीच में मुझे एक ऑप्शन दिया कि कहा कि आपने तो मोबाइल के लिए ऐप बनाई है, लेकिन कई जगह पे ऐसा भी होता है जहाँ पे नेट नहीं होता, जहाँ पे ऐसा होता है किसी के पास मोबाइल ऐसा हो नहीं होता, चार्जिंग इशूज़ होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जिसे हम बग़ैर नेट के इस्तेमाल करें। तो उसी सोच को देखते हुए मैंने एक ऑफिस फाइल बनाई है जो कि हम कंप्यूटर में चलाएंगे, उसके लिए नेट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी, उसमें भी उसी तरह डिफ़ॉल्टर आएंगे, सारा कुछ उसी तरह आएगा, एड्रेस के मुताबिक सब कुछ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, रोज़ाना की तरह के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना अच्छा हो सके शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये API 2019 नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई है, ये देखें, ये ओपन किया तो इसमें पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड अब मैं आपको दूंगा कि आपने अपने सिस्टम पे कौन सा पासवर्ड लगाया हुआ है, कौन सा लगाएंगे, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो मैं इधर अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड, प्रोसीड करते हैं। ये देखें जी, ओपन हो गई, स्टार्टअप पेज हमारे पास आ गया। अब इसमें मैंने सिस्टम इस तरह किया कि हमें डेटा में जाने नहीं पड़ेगा, बस इधर से ये चार बटन बनाए हुए हैं, एक है एड न्यू रिकॉर्ड, एक इंटर वैक्सीन डेट, सर्च रिकॉर्ड एग्जैक्ट। एड न्यू रिकॉर्ड में आपको मैं बताता चलूँ हम क्या करेंगे। एड न्यू रिकॉर्ड में जब क्लिक करेंगे तो ये फाइल लास्ट कार्ड नंबर उठाएगा खुद बहुत ही, जिस तरह मैंने 778 नंबर इस API रजिस्टर में एड हैं, तो इसी तरह 779 स्टार्ट हो गया है। इसी तरह अगर इसमें मैं नेम लिखूंगा वगैरह सारा कुछ लिखूंगा, ठीक है जी, चलें लिख के दिखाता हूं आपको। जिस तरह मैं लिखता हूं जिशान, फादर नेम असगर, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी लिख लें जी, 2/22/2020, ठीक है जी। ये देखें एड्रेस बार में इसके सारे एड्रेस पहले से आए हुए हैं। इसी तरह मैं आपको एड्रेस सेटिंग करके भी दे दूंगा। BCG डेट जिस तारीख को लगी 2/22 था, तो 2/22 को ही इसको हमने BCG डेट भी लगा दी। नेक्स्ट डेट ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, इसमें हमें लिखने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, ये खुद ही जनरेट करेगा। जब इसे हम सेव करेंगे, रिकॉर्ड सेव्ड हो गया, एग्जिट करेंगे जी। ये देखें, ये तो हमने एक 779 पर न्यू रिकॉर्ड एंटर किया, ठीक है जी। अब इस रिकॉर्ड को हम, मतलब ये BCG के लिए आता है, ये BCG के लिए आता है, तो हम इसकी BCG के बाद फर्स्ट डोज के लिए आता है, तो हम उसका रिकॉर्ड कैसे एंटर करेंगे, उसको लिए इंटर वैक्सीन कार्ड, वैक्सीन डेट्स, ठीक है, कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है जी 779, सर्च कर रहा हूँ जी, ये देखें जी 2/22 को इसे लगा था, 2/22 को, 4/7/4 चौथा महीना होगा, 7 तारीख होगी 2020 को, इसको नेक्स्ट डेट था पेंटा फर्स्ट का। तो इसी तरह अगर लगाना है तो इधर पेंटा फर्स्ट की डेट लिख देते हैं, आपको सिखाने के लिए मैं लिख देता हूँ। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह है कि क्या नाम है, पहले मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। इसे हम, ये देखें मीज़ल की डेट भी इसने खुद उठाई हुई है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, ये सारी डिटेल जब आप देखेंगे खुद गौर से तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या है। उसी तरह ऐप की तरह इसमें भी नेक्स्ट डेट ऑटो जनरेट होगी, जिस तरह मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये नेक्स्ट डेट आ गई कि 5/7/2020, मतलब पाँचवें महीने की 7 तारीख 2020 को ये इंजेक्शन लगेगा। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट सेकेंड डोज लगाता हूँ इसको 5वें महीने की 7 तारीख 2020 को, तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ देखें नेक्स्ट डेट खुद बहुत आ जाती है। इसी तरह हम वैक्सीन रिकॉर्ड इसमें ऐड करते जाएंगे, ये खुद बहुत शीट में ट्रांसफ़र होता जाएगा, इसके लिए किसी नेट की ज़रूरत हमें नहीं होगी। तो चलते हैं कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब ये तो हो गया न्यू रिकॉर्ड और इंटर वैक्सीन डेट, अब किसी का रिकॉर्ड सर्च करना है हमें, तो
कैसे है, डिफ़ॉल्टर है नहीं है, किस डोज में डिफ़ॉल्टर है, तो जस्ट सिंपली सर्च रिकॉर्ड में जाएंगे। सर्च रिकॉर्ड में जाके यहाँ पे कार्ड नंबर कोई भी लिख देते हैं 545। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे सारा रिकॉर्ड देखें आ गया है, बच्चे का अयान नाम है, गुलरहमान 5:20 वगैरह 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 सारा कुछ आ गया है। वैक्सीन डेट 8/17, डिफ़ॉल्ट नो है, डिफ़ॉल्ट नो है, डिफ़ॉल्ट नो है। देखिए मिजल वन में ये डिफ़ॉल्टर है क्योंकि इसके लगना था 14/2/2020, लगा नहीं तो ये डिफ़ॉल्टर है। ये कोने में देखें जी मिजल टू, मिजल टू की वैक्सीनेट डेट, डिफ़ॉल्टर स्टेटस यस ये डिफ़ॉल्टर है, कोर्स कंप्लीट नो। इधर से भी आप डेटा एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसी सिलसिले में उसी तरह की एक ऐप मैंने बनाई है जो सिस्टम पे आप यूज़ कर सकते हैं, और इससे भी डिफ़ॉल्टर कैसे निकालेंगे वो भी जी देखते हैं। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, शीट वन पे आएंगे, ये देखें जी, ये देखें ये सारी शीट हमारे पास आ गई है। यहाँ सारे सिर्फ यस वाले को पहले क्लिक करते हैं, सेलेक्ट आर को ख़त्म करके यस ये डिफ़ॉल्टर लिस्ट वाले आ जाएंगे सारे। ये देखें सारे, अब ये सारे डिफ़ॉल्टर हैं, सारे किसी न किसी इंजेक्शन में डिफ़ॉल्टर हैं। अब डिफ़ॉल्टर के बाद हम एड्रेस में उसी तरह आएंगे कि कोई एक एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह मैं सेलेक्ट करता हूँ बाजेवाड़ किले समथिंग लाइक दैट, ओके किया। ये देखें बाजेवाड़ किले वाले कार्ड नंबर, ये बच्चे का नाम, ये पेंटा फर्स्ट में डिफ़ॉल्टर है, थर्ड में है, ये मीज़ल फर्स्ट में, सेकंड में। इसी तरह किसी और एरिया की भी सर्च करते हैं इसको बाजोड़ के, ये देखें जी उसका एक ही बच्चा अकबर खान किले का एक ही बच्चा है डिफ़ॉल्टर है। अगर इसी तरह हम इसको बहराम खान क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, ये देखें बहराम खान के भी तीन बच्चे डिफ़ॉल्टर हैं कार्ड नंबर दिए हुए। तो फिर उसी तरह ये ऐप की तरह ये भी बिल्कुल काम करता है, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि ये एक लैपटॉप के लिए या कंप्यूटर पीसी वगैरह के लिए फ़ाइल मैंने बनाई हुई है। जिन दोस्तों को नेट का मसला है, नेट ऑप्शंस अक्सर पहाड़ी इलाके जात में नेट नहीं होते, तो वो सिस्टम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आखिर में एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।